क्या कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है? बहुत मेहनत करने के बाद भी कैरियर को लेकर सफलता नहीं मिल रही है? कहीं इसका कारण आपके घर क्या वास्तु दोष तो नहीं? जी हाँ, अगर घर में होता है वास्तु का दोष तो कैरियर में नहीं मिलती है सफलता। मेहनत करने के बाद भी हम पीछे ही रह जाते हैं और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो प्रमुख वास्तु दोष, अगर ये घर में होंगे तो करियर को लेकर आपको भी परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे अगर आपके घर की उत्तर दिशा में वास्तु का दोष होगा। जी हां, उत्तर दिशा आपके जीवन में सुख और समृद्धि को देने वाली दिशा मानी जाती है। ये दिशा धन के देवता कुबेर की होती है और इसी दिशा से आपके जीवन में कितनी धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कैरियर आपका कैसा रहेगा, इन सभी बातों की जानकारी मिलती है। अगर आपके घर की उत्तर दिशा में वास्तु का दोष होगा, अर्थात घर की उत्तर दिशा में अगर टॉयलेट वगैरह बनी होगी या घर की उत्तर दिशा एकदम बंद होगी, उत्तर दिशा खुली हुई नहीं होगी, तो इसे वास्तु का दोष माना जाता है। आपके घर के ईशान कोण में, पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में टॉयलेट बना हुआ है, गंदगी है या कचरा इकट्ठा होता है या फिर गंदे पानी की निकासी उत्तर दिशा की तरफ जा रही है, तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत ज्यादा दोषपूर्ण माना गया है। इस तरह का दोष होने पर कैरियर में अक्सर सफलता नहीं मिलती है और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा जो वास्तु का दोष है वह दोष है कि आपके घर में जो घड़ी है, जो समय सूचक यंत्र जिसे घड़ी कहा जाता है, वो किस दिशा में लगी हुई। जी हाँ, वास्तु शास्त्र के अनुसार घड़ी का सही दिशा में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर घर की घड़ी गलत दिशा में लगी होगी तो वो कभी भी आपका समय अच्छा नहीं आने देगी और वह आपके लिए जीवन में हमेशा बुरा समय ही लेकर आने वाली रहेगी। इसलिए घड़ी लगाते समय इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि घड़ी हमेशा आपके घर की पूर्व या उत्तर की दीवार पर लगी होना चाहिए। घड़ी को कभी भी दक्षिण की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण की दीवार पर लगी हुई घड़ी हमेशा जीवन में संकट, परेशानी और दुर्भाग्य की सूचना देने वाली मानी जाती है। साथ ही साथ आपके घर की जो खिड़कियां हैं वह भी इस बात को काफी अच्छे तरीके से बताती हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि होगी या फिर केवल निराशा ही होगी। जी हाँ, अगर आपके घर के वास्तु के अनुसार घर की ज्यादा खिड़कियां दक्षिण दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ में है तो यह आपके जीवन में करियर में आपको सक्सेस नहीं होने देती है और ये हमेशा जीवन में असफलता का कारण बनी रहती है। इसीलिए घर की जो खिड़कियां हैं वह पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि दक्षिण पश्चिम की तरफ जो खिड़कियां हैं उनसे ज्यादा बड़ी खिड़कियां उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उत्तर और पूर्व से आने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आती है, जीवन में सफलता की सूचक मानी जाती है। अगर आपके घर में भी है इस तरह का कोई वास्तु दोष तो तुरंत उस दोष को ठीक करने की जरूरत है। और अगर आप अपने घर का वास्तु दोष जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। जय महाकाल, हर हर महादेव।